नगर निगम में लाखों रुपए खर्च करने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अब निष्क्रिय पड़े हुए हैं। कारण, जिन पटलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वहां भ्रष्ट बाबू तैनात हैं। ऐसी स्थिति में उनके भ्रष्टाचार को सीसीटीवी कैमरे में न कैद होना पड़े, ऐसी स्थिति में सारे कैमरे बंद कर दिए गए हैं। नगर निगम में लाखों रुपया खर्च करने के बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन घटिया क्वालिटी के बाद अब उनकी स्थिति यह है कि तार भी जगह जगह टूटे पड़े हैं। उनकी मरम्मत और उनको सुचारू करने के लिए अब कोई पहल नहीं कर रहा। लाखों रुपए के धर का दुरुपयोग खुलेआम नगर निगम में किया जा रहा है, लेकिन निठल्ले और नकारा अधिकारी और बाबू इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैमरे तो लगे हैं लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में जिन पटलों पर इन कैमरों को लगाया गया था उद्देश्य यह था कि भ्रष्टाचार और भीड़ को देखा जा सकेगा, लेकिन अब भ्रष्टाचार और भीड़ इन कैमरों से दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सभी कैमरे या तो डिसफ्यूज हैं या फिर उनके तार टूटे पड़े हैं। इस पूरे प्रकरण में जब नगर आयुक्त से बात करना चाहा तो उन्होंने एक रटा रटाया जवाब दिया कि जानकारी नहीं है और जानकारी करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है कि नगर आयुक्त के बयान कब तक और कहां तक सार्थक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। नगर निगम में लाखों रुपया खर्च करने के बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन घटिया क्वालिटी के बाद अब उनकी स्थिति यह है कि तार भी जगह जगह टूटे पड़े हैं। उनकी मरम्मत और उनको सुचारू करने के लिए अब कोई पहल नहीं कर रहा। लाखों रुपए के धर का दुरुपयोग खुलेआम नगर निगम में किया जा रहा है, लेकिन निठल्ले और नकारा अधिकारी और बाबू इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैमरे तो लगे हैं लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में जिन पटलों पर इन कैमरों को लगाया गया था उद्देश्य यह था कि भ्रष्टाचार और भीड़ को देखा जा सकेगा, लेकिन अब भ्रष्टाचार और भीड़ इन कैमरों से दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सभी कैमरे या तो डिसफ्यूज हैं या फिर उनके तार टूटे पड़े हैं। इस पूरे प्रकरण में जब नगर आयुक्त से बात करना चाहा तो उन्होंने एक रटा रटाया जवाब दिया कि जानकारी नहीं है और जानकारी करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है कि नगर आयुक्त के बयान कब तक और कहां तक सार्थक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। सर, नगर निगम ने करीब 25 लाख रुपए खर्च किया, सीसीटीवी कैमरा जोन बनाया था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि सारे कैमरे बंद हैं। तो सर, क्या चालू नहीं होने चाहिए था इनको, या आप आने के बाद क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, अगर सीसीटीवी कैमरे वो लगे हुए हैं, अभी मैं इसको देख लेता हूँ उसी तुरंत को, अगर वो खराब है तो तुरंत उसको चालू करा देंगे। सर, ऐसा भी देखा है कई बाबुओं के पटल पे कैमरे इसलिए लगाए गए थे कि उनकी प्राइवेसी कैप्चर हो, लेकिन वहाँ कैमरे बंद कर दिए गए, वायर तोड़ दिया गया है, कैमरे उखाड़ दिए गए हैं, उसकी फिर से समीक्षा करके उसको फिर से चालू करा दिया जाएगा। कब सर, किस तरह के आदेश आप जारी कर रहे हैं आज? मैंने आप फाइल देखो, किस एजेंसी ने लगाया, उस एजेंसी को बुलाकर फिर से बात करनी पड़ेगी और उसको फिर से चालू कराया जाएगा। नगर निगम फिरोजाबाद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कैमरे लगाए गए थे, सीसीटीवी कैमरे जो पटल पर लगाए गए वो अभी सारे बंद है। ऐसी स्थिति में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। साफ बात यह है कि 12 सीसीटीवी कैमरे में से मात्र 4 कैमरे हैं जो अभी चल रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में लाखों रुपए का टेंडर करके इन कैमरों के लगाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज भी वह अस्तित्वविहीन बने हुए हैं। फिरोजाबाद से जितेंद्र शर्मा।